अभी तक हमने हमारे थर्मल फिजिक्स की क्लासेस में क्या देखा, ठीक है? इट्स द लेक्चर नंबर 5, ठीक है? तो हमने देखा था कि आखिर आइडियल गैसेस और रियल गैसेस क्या होते, ठीक है? फिर हमने देखा था, ठीक है, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है? अजम्पशंस देखे थे हमने, परसों रिवाइज भी किए थे सारे अजम्पशंस, ठीक है? कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं, क्या यूज है इनका, और आखिर ये रियल गैसेस से कैसे डिफरेंट है और कैसे सिमिलर है, ठीक है? मतलब किस हद तक ये सही है, ठीक है? उसके बाद हमने हमारे लेक्चर 3 में देखा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, ठीक है? जो आइडियल गैस होती है, ठीक है, एक जो हमारी आइडियल गैस है, ठीक है, सपोज करो इस कंटेनर में है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं किस पे, इस वॉल ऑफ द कंटेनर पर, या आप ये बोल सकते हो दूसरे मॉलिक्यूल पर, ठीक है? जो भी ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, हमने उसका डेरिवेशन देखा था, ठीक है? क्या होता है उसका फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू 1/3 mL V² या 1/3 rho V², ठीक है? जहां पर आपका रो क्या था, रो थी आपकी डेंसिटी, राइट? ये हमने देखा था P इज इक्वल्स टू 1/3 rho V², ठीक है? उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने प्रेशर पर, ठीक है, उसके बाद हमने ये भी कहा था कि अगर गैस कंटेनर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस पे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है? अगर हम टेम्परेचर को क्या कहते हैं, अगर हम टेम्परेचर उस पर डालें ही ना, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएं ही ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे या टेम्परेचर को कम कर दे, ठीक है, अगर हम उस गैस मॉलिक्यूल पर टेम्परेचर के अफेक्ट देखें, ठीक है, तो क्या अफेक्ट्स होते हैं, ये चीज हमने देखी थी, ठीक है? तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कि आखिर जो टेम्परेचर है वो हमारे आइडियल गैस को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है? तो सिंपल से चीज हमने डिराइव कैसे किया था, पीवी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 mL V², क्या किया था हमने, 2 का मल्टीप्लीकेशन और 2 का डिविजन, ठीक है? सिंपल से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mL V² आई गेस आज हमें स्लाइड मोड बंद करना पड़ेगा, देखते हैं, सिंपल ऐसे देखो, ठीक है, mL V², फिर मैं क्या किया था, 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन, ठीक है, क्या आ गया हमारा 1/2 mV², अब 1/mV² क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, राइट? अब गैस मॉलिक्यूल केसेस में हमने देखा था अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी में क्या देखा था, कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है 0, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में, 0। तो हमारा जो 1/2 mV² काइनेटिक एनर्जी होता है, वो आइडियल गैस के केस में या आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, एवरेज एनर्जी होता है, ठीक है? तो हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल कर आया था, यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आया था पीवी इज इक्वल्स टू 2/3 NE, ठीक है? अब आज की क्लास में आपको यही एक्सप्रेशन याद रखना है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम आज पूरे गैस लॉस क्या करेंगे, आज हम पूरे गैस लॉस डिराइव करेंगे और समझेंगे आखिर गैस लॉस क्या होता है, ठीक है? तो चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, ठीक है? तो उस क्या कर लिया, उसका हमने रिवीजन कर लिया, ठीक है? अब हम देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है? तो मैंने कहा कि सबसे पहले क्या रखो, सबसे पहले इस चीज को याद रखो, पीवी इज इक्वल्स टू 2/3 NE,
ठीक है, हमको पता है प्रेशर एक्सेप्टेड बाय गैस होता है सिंपल, जहां पे एन आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ई आपकी एनर्जी है, पी प्रेशर है, और वी क्या है आपका वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखो नंबर वन, यहां से आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस स्लाइड से, ठीक है, और अगर कोई स्क्रीनशॉट लेता है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर सकते हो। देखते हैं पहला केस, केस नंबर वन, एट टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड ई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो भाई, हमने देखा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, और हमने देखा था पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2/3 एन ई। अब ये बोल रहे हैं कि सपोज करो जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो एनर्जी भी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से 2/3 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, एन भी हमारा कांस्टेंट है, और एनर्जी भी हमारी कांस्टेंट हो गई, तीनों कांस्टेंट, हम क्या बोल सकते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, हमारा पीवी क्या हो गया, पीवी हो गया कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को डिनोट कर दो किसी के से, ठीक है, आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, जनरली हम फिजिक्स में कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इजी होता है हमारे लिए किसी भी तरीके की डेरिवेशन को करना। ठीक है, अब कांस्टेंट हो गया, इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करो तो क्या आ गया, के अपॉन वी। ठीक है, यानी जो प्रेशर है वो क्या होगा, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ रही है किसी गैस की, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या था, अगर किसी भी गैस पार्टिकल में उसकी गिवन एनर्जी और टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दिस विल बी योर बॉयल्स लॉ। अब यस चलो, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, वी सॉ, ठीक है, कि अगर किसी भी गैस मॉलिक्यूल में या किसी भी गैस पार्टिकल में हम क्या करें, अगर हम एनर्जी और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो जो प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और इसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो अगर आता है एग्जाम में कि डिफाइन द बॉयल्स लॉ, तो कैसे डिफाइन करोगे, एक बार देख लो। ठीक है, बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी अमाउंट ऑफ गैस में अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, तो हमारे जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन अदर केस अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, और प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आते कहाँ से, क्वेश्चन आता है आपको बताने के लिए कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम प्रेशर को वाई एक्सिस पे लेते हैं और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, सबको पता है, एक बार रिवाइज बस कर लेते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ हमारा आएगा पैराबोला। ठीक है, एट टी 1 प्रेशर। ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है। अगर आपसे नॉर्मल पूछता कि ग्राफ क्या आएगा, मोस्टली आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आउट ऑफ दीज फोर विच शोज द ग्राफ ऑफ अ बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो वहां पे आपको दो तीन ग्राफ्स दे देगा और आपको वहां पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहाँ बनेगा, कि यहाँ पर तो मैंने बोला है कि T1 टेम्परेचर था, एट T1, ठीक है, आपने ये ग्राफ बनाया। अब अगर मैं बोलूँ कि एट T2, ठीक है, जहां पे T2 आपका क्या है, जहां पर T2 आपका वो क्या रहा है आज, ठीक है, इसको यहां से चलिए यहां से देखते हैं। ठीक है, जहां पे T2 है वो क्या है आपका, टेम्परेचर T1 से ज्यादा है। ठीक है, तो नॉर्मल वर्ड्स में मैंने क्या बोला कि हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सिंपल, एक हमारा
एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। सिंपल, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया। मैंने बोला ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला, ठीक है, एट टी वन टेम्परेचर। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, टी टू टेम्परेचर, जो आखिर है हमारा क्या, जो हमारा है किस पे, टी टू जो है वो टी वन से ग्रेटर है, ठीक है। तो क्या होगा अगर टी टू टी वन से ग्रेटर है? तो अब देखो, पहली चीज, क्या जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर से वो टी वन के ऊपर बनेगा, यहाँ बनेगा, टी वन के नीचे बनेगा, या टी वन को ओवरलैप करेगा, क्या होगा सोचो, कोई बताएगा कि अगर मैंने नया टेम्परेचर लिया, ठीक है, टी टू, जिसकी वैल्यू क्या है, टी वन से ग्रेटर है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कहाँ बनेगा? क्या उसका ग्राफ इस ग्राफ के ऊपर बनेगा, या इस ग्राफ के नीचे बनेगा, या फिर ओवरलैप करेगा? किसी को याद है? किसी को नहीं याद? देखो क्या होगा, चलो यहाँ से देखो क्या बोला मैंने सिंपल वर्ड्स में। आई टोल्ड कि अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, पी और वी के बीच, ठीक है, ग्राफ हमारा बनेगा डायगोनली। अब टाइम वेस्ट हो चुका है, तो डायरेक्टली समझते हैं, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ग्राफ क्या यही बनेगा, ओवरलैप करेगा? नहीं, ग्राफ ओवरलैप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने देखा था P इज इक्वल्स टू क्या होता है, K अपॉन V, और जो हमारा कांस्टेंट था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पे, राइट? टेम्परेचर को हमने क्या किया हुआ था, कांस्टेंट। तो अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दोगे तो कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कांस्टेंट बढ़ेगा डेट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी और वॉल्यूम को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा कांस्टेंट क्या रह पाएगा, एक सेम क्राइटेरिया, या आप बोल सकते हो एक सेम पेस में रहेगा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, टी टू टी वन से बड़ा है, तो जो ग्राफ होगा वो हमेशा इस ग्राफ के ऊपर बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, इस चीज को थोड़ा ऐसे भी समझो, ठीक है, एक बार मैं फिर से बना देती हूँ। सपोज करो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका प्रेशर हो गया, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब टी वन प्रेशर पे, सपोज टी वन टेम्परेचर पे, सपोज करो हमारा प्रेशर वी वन था और वॉल्यूम वी वन थी, ठीक है। प्रेशर हमारा क्या था, पी वन, और वॉल्यूम हमारी थी वी वन। तो जो हमारा ग्राफ आ रहा था वो हमारा ग्राफ यहाँ से ऐसे बन के आ रहा था, ठीक है। अब मैंने कहा अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो हमारे क्या होगा, कॉन्स्टेंट की वैल्यू ही बढ़ेगी। अगर कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो प्रेशर है वो भी बढ़ाना पड़ेगा और जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यानी यहाँ समझ क्या होगा, जो हमारा प्रेशर है वो भी बढ़ेगा और जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ आके मिक्स टच करेंगे एक दूसरे को, कहाँ आके ज्वाइन होंगे, यहाँ पर, ठीक है। जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैं पूरा डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ, काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी टू अगर ऊपर आ रहा है या टी वन नीचे आ रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको गलत करके आ जाते हैं। कई बार ये डिटेल में समझाना होता है, तब आपसे ग्राफ पूछते तब भी क्या होता है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो हमारा ग्राफ होगा वो भी हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज देखो, दूसरा ग्राफ, पहला ग्राफ आपका सिंपल था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कई बार आ जाता है जहां पर वो पूछते हैं ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वन अपॉन वी, ठीक है, क्या बोला मैंने दोबारा, वो कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करो किसके बीच, प्रेशर के बीच और वन अपॉन वॉल्यूम के बीच, ठीक है। तो फिर से हम ले लेते हैं सिंपल हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है,
हमारा वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? प्रेशर। एक्स एक्सिस पे हमारा रहेगा वॉल्यूम। ठीक है, अभी पे वॉल्यूम की जगह पे क्या लेना है हमको? 1/v। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारा क्या कहता है बॉयल्स लॉ का? पी इज इक्वल्स टू के अपॉन वी। ठीक है, अगर मैं इसको 1/v अलग लिख दू और कॉन्स्टेंट के अलग लिख दू तो क्या हमारा ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? सोचो जरा, किसी को नहीं पता? सोचो सोचो, चलो टाइम देता है, तब तक नेटवर्क इशू थोड़ा देखता है। क्या प्रीवियस जैसे हमने ग्राफ बनाया था वैसे ही बनेगा या किसी और तरीके से बनेगा? मैम वैसे ही बनेगा। वैसे ही बनेगा, यानी यहां से ऐसे बनेगा, राइट? कोई मैम और? कोई और बताना चाहेगा? चलो रहबर ने बताया, कोई और नहीं है क्या क्लास में प्रेजेंट आज? भावना, सुश्री, लगता है आज काफी लोग सो रहे हैं। देखो तो दूसरे केस में भी क्या होगा, ग्राफ हमारा सेम बनेगा। ठीक है, आप बोल सकते हो। एक और केस होता है, ठीक है, बॉयल्स लॉ में, या फिर ऐसे करो दो ही केस देखो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, सिंपल दो ही केस देखते हैं। पहला, अगर हमारा ग्राफ बोलता है पी और वी में बनाने के लिए। दूसरा, अगर वो ग्राफ हमारा किस में बोलता है? पी और 1/v में बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं, अदरवाइज आज का क्लास ये पूरा इसी में निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस हम देखते हैं, केस नंबर टू। केस नंबर टू में है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन क्या था? हमारा एक्सप्रेशन वही था, पी वी इज इक्वल्स टू, जो मैंने बोला हमें याद रखो, 2/3 ne। यही हमने देखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब एनर्जी का हमने एक और एक्सप्रेशन देखा था, 3/2 kBT लास्ट क्लास में, जहां पर kB क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी को यहाँ पे पुट किया हमने। ठीक है, रीअरेंज करके क्या देखा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम को हम कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, इस केस में तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है तो जो प्रेशर वो क्या है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस लॉ को हम बोलते हैं गे लुसेक लॉ। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द प्रेशर टेम्परेचर लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इन केल्विन क्यों लिखा हुआ है? सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है बिकॉज हमको स्टैंडर्ड यूनिट लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट के लिए हम क्या ले रहे हैं? पी प्रेशर को पास्कल में और टेम्परेचर को केल्विन में। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कॉन्स्टेंट लिख लो कुछ। अब हम के यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? K1 लिख लिया। ठीक है, आपको जो यूज करना आप वो लिख सकते हो। ठीक है, बट वहां पर मेंशन कर देना कि आप जो भी वर्ड यूज कर रहे हो, CAX, बट इट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, मेंशन कर दोगे तो वो गलत नहीं होता है। ठीक है, यानी हमारा क्या आ गया? P अपॉन T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या आया? ये हमारा एक्सप्रेशन आया गे लुसेक लॉग पर। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, प्रेशर को हम ले लेते हैं वापस से वाई एक्सिस पे, टेम्परेचर को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी क्या करेगा? हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ हमारा रहेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेट मी रेज दिस, आई गेस मेरा पेन टैब खराब हो रहा है। ओके, जस्ट वेट।
उसका नेम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल वर्ड से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ हमारा बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको ऐसे ही नोट कर लो आज। आई गेस मुझको आज यहाँ पर पेंटब यूज नहीं करना पड़ेगा। आई हैव टू शो यू बाय द ग्राफ। ठीक है, चलो मैं ग्राफ से दिखाती हूँ सिंपल। ठीक है, क्या होगा आपका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के क्या होगा? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी ग्राफ क्या बनेगा हमारा? ग्राफ हमारा बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा बनेगा तो क्या होगा आंसर? ग्राफ बना लो। ठीक है, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। चलो चल गया। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर, ग्राफ हमारा बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसे स्ट्रेट लाइन को हम किससे डिनोट कर दें? चलो इसको हम मान लो टेम्परेचर T1 पे। अब फिर से एक और केस देखो, अगर हम दूसरा टेम्परेचर लेते हैं T2, जो T1 से क्या हुआ? बड़ा होगा। अब इस केस में जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कहाँ बनेगी? T1 के ऊपर या T1 के नीचे? कोई बताएगा? प्रेशर था हमारा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल और बीच में हमारा आया था K1 कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट था वो किस पर डिपेंड कर रहा था? NKB/V पे, राइट? यानी जो कांस्टेंट था वो क्या है? वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम V1 लेंगे ना कि D1। ठीक है, क्योंकि हम कांस्टेंट क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को हम बढ़ा दे तो हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर या नीचे? कोई बताएगा जल्दी? पूरा हिंट दे दिया मैंने, नीचे से जाएगा। नीचे से जाएगा। एग्जैक्टली। क्यों? कि जो कांस्टेंट है वो क्या है? वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट कम हो जाएगा। और कांस्टेंट कम होगा तो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर भी कम होगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस केस में क्या देखा था? प्रेशर और वॉल्यूम के केस में हमने देखा था कि जो हमारे ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जो ग्राफ है वो भी क्या हो रहा है? ऊपर बढ़ रहा है। बट इस केस में क्या होगा? अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो ग्राफ होगा हमारे इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, चार्ल्स लॉ। आज इसको कवर ही कर देते हैं सो डेट कि नेक्स्ट क्लास में हम केवल डेविएशन देखें और फिर वंडर वॉल्स इक्वेशन देखें और हमारा ये यूनिट कवर अप हो जाएगा। फिर हम मेजरली PYQ यूज करेंगे, जिससे आप लोगों को जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसका एक आइडिया हो जाए। ठीक है, देखते हैं केस नंबर 3। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब क्या किया? वही इक्वेशन लिखो, PV इज इक्वल्स टू 2/3 NE। ठीक है, अब इस केस में क्या कर रहे हैं ये लोग? वॉल्यूम को, सॉरी, किसको? प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे कैसे? ई की वैल्यू क्या थी? ई की वैल्यू थी 3/2 KB × T। लास्ट क्लास में देखा था, इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा? 2/3 N। ठीक है, ई की जगह पे मैंने लिख दिया 3/2 KB × T। जो जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया हमारा आंसर? PV इज इक्वल्स टू NKBT। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं प्रेशर को कांस्टेंट करो, तो चलो कांस्टेंट है तो हम इसको क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज किया हमने, क्या हुआ? इस डायरेक्शन में आ गया हमारा, क्या निकल कर आया? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये डेरिवेशन में क्यों कर रही हूँ? कि यही डिराइव करने के लिए आता है कि आपने जो प्रेशर एक्सर्टेड पढ़ा है उसके थ्रू आप इन गैस लॉ को कैसे डिराइव करते हो। ठीक है, वरना हम जनरल स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट आपको ये डिराइव करना आना चाहिए, क्योंकि यही आपको एग्जाम में क्या देगा? मार्क्स देगा, राइट? तो सिंपल क्या आया हमारा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं इसका। इसका ग्राफ भी क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट?
वॉल्यूम को हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, टेम्परेचर को हम ले लेते हैं जेड एक्सिस पे, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर हमारा हो गया कांस्टेंट, ठीक है। नॉर्मल ग्राफ आता है, आप ये ग्राफ बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट केस आपको ये पूछ सकता है, वही अगर दूसरा प्रेशर लो पी टू, ठीक है। अगर ये पी वन से बड़ा है तो इस केस में क्या होगा, ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, बताएगा कोई? मैम नीचे बनेगा, वर्सल नीचे बनेगा, पर्पस हाँ, क्योंकि हमने कांस्टेंट में देखा था, जो हमारा कांस्टेंट के टू लिया था, ठीक है, वो क्या आया था, एन के बी अपॉन पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसलिए अगर हम प्रेशर क्या करते हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अब ये तीनों लॉज हमने आज सिंपली देखे, एक बार इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। आज थोड़ा इश्यू हो रहा है तो उसको यहीं पे एंड कर देते हैं, जिससे एटलीस्ट आपके गैस लॉस तो कवर होगा, ठीक है। तो क्या देखा था हमने, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट। पहला केस, पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 एन ई, ठीक है, जो हमारा एक्सप्रेशन था। फर्स्ट केस था हमने लिया था, जहां पर टेम्परेचर और एनर्जी हमने क्या लिए थे, टेम्परेचर एनर्जी हमने लिए थे कांस्टेंट। तो क्या निकल कर आया था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, जो क्या होता है हमारा गैस लॉ, ठीक है। पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला। एक चीज हमने यहाँ पे ये भी नोटिस करो कि बॉयल्स लॉ में ही बस पैराबोला हमारा ग्राफ बन रहा है, उसके अलावा सारे केसेस में हमारा क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, केवल अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था, अगर गे-लुसक लॉ, अगर हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। डिराइव कैसे करना है याद रखना, सिंपल सा एक्सप्रेशन, हमेशा प्रेशर एग्जर्टेड वाला यूज करोगे, पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 एन ई, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू पुट करके आप तीनों लॉस निकाल सकते हो, ठीक है। एक और लॉ था, आई गेस आई फॉरगॉट टू राइट हियर, ठीक है। एक और लॉ था, कौन सा, एवोगैड्रो लॉ, पढ़ा है किसी ने? एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, एवोगैड्रो लॉ ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो कंटेनर गैस के, सपोज करो एक कंटेनर हमारा ये हो गया, ठीक है, एक कंटेनर हमारा ये हो गया, इफ वी हैव टू गैस मॉलिक्यूल्स, और दोनों पर क्या है, अगर हमारा दोनों पे प्रेशर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, अगर इसका प्रेशर और टेम्परेचर इसके प्रेशर और टेम्परेचर के क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी ये भी हमारा, सपोज करो प्रेशर आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, हम ले लेते हैं कुछ भी, एटमोस्फेरिक प्रेशर लो, सिंपल एटमोस्फेरिक प्रेशर लो, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर, और ये भी हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। टेम्परेचर हमारा हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अगर हम बोले, ठीक है, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, अगर दो गैस कंटेनर्स हैं और उनका क्या है, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, दोनों में सेम वॉल्यूम है, तो क्या होगा, इन दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ लॉ, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप इसी से लिखो, ठीक है। पी वी इज इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, 2/3 एन ई, ठीक है। एनर्जी भी हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही ले रहे हैं, ठीक है, यानी पी वन वी वन और ये हो गया हमारा एन वन, ठीक है। पी टू वी टू इज इक्वल्स टू 2/3 एन टू इंटू ई। अब हमारे पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो रहा है, सेम, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा, इक्वल, सिंपल। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, एन वन ई इज इक्वल्स टू 2/3 एन टू ई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एन वन इज इक्वल्स टू एन टू, और यही एन वन और एन टू को हम क्या बोलते हैं, एन ए, जो एन ए आपका क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, 6.023 इंटू 10^23, ठीक है। तो अगर कोई भी दो गैस मॉलिक्यूल है, अगर उनपे जो हम जो कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो,
उन पर हम जो भी कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन सेम है, यानी दोनों को हमने सेम प्रेशर पर रखा, सेम टेम्परेचर पर रखा, और दोनों में सपोज करो एक एक लीटर हमने, मतलब एक उनका वॉल्यूम भी क्या है, सेम है, ठीक है, या बोल सकते हो 1 मीटर 1 मिलीलीटर क्यूब, ठीक है, जो भी आपको लेना है, अगर दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो उस केस में जो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल। ये आइडियली ट्रू है, बट रियल में हम करेंगे तो रियल में यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो आइडियली ये बोल रहा है कि दोनों गैस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे, और उसी नंबर ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एवोगैड्रो नंबर था, इसीलिए इस लॉ को हम बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। ये था आपका एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपके आज, ठीक है, गैस लॉस खत्म हुए, ठीक है। कल हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर देंगे आपके डेविएशंस ऑफ आइडियल गैस से, कि आइडियल गैस से कैसे डेविएशन हुआ, और कोशिश करेंगे कि उसी क्लास में आपका वंडरवॉल इक्वेशन भी हो जाए, जिससे ये यूनिट आपकी क्या हो, ये यूनिट आपकी मिनिमम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, जहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स की स्पीड के बारे में पढ़ना है, जो हमने कहा था ना मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके रिलेटेड आप सारे डेरिवेशन देखो, क्योंकि आखिर मॉलिक्यूल किन किन चीजों से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स एंड द क्लास, ये आज की क्लास काफी इजी थी, किसी को कोई डाउट आज की क्लास में?